हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ मंगल। और मैं हूं आपका दोस्त मंगल, जो सोचता हूं सिर्फ आपके मंगल के बारे में। दोस्तों, रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से त्वचा का रंग पीला हो जाना ही पीलिया कहा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे शरीर में खून की कमी से या किसी और भी कारण से हमारे त्वचा का रंग पीला हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंट को पीलिया हो गया। लोगों में ये कन्फ्यूजन बनी रहती है, लेकिन सिर्फ हम इस बात से तय नहीं कर सकते कि त्वचा का रंग पीला हो जाने से आपको जॉन्डिस हो गया, क्योंकि पीलिया के मरीजों में इसके साथ साथ और भी लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पीलिया क्या है, पीलिया होने के क्या कारण है तथा इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, तथा इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा आप जॉन्डिस को सिर्फ 2 दिनों के अंदर ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने हेल्थ के बारे में कुछ नया जानते हैं। दोस्तों, बिलिरुबिन का निर्माण हमारे शरीर के रक्त तथा ऊतकों में होता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक माना जाए तो हमारे शरीर में बिलिरुबिन का लेवल 0.2 से 1 mg/dL के बीच होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी किसी कारण से हमारे शरीर में जो RBC पाए जाते हैं वो टूटने लग जाते हैं, और इन्हीं के टूटने के कारण हमारे शरीर में बिलिरुबिन का उत्पादन बढ़ जाता है। जब इसका उत्पादन बहुत तेजी से होने लगता है तब हमारा लीवर इसे प्यूरिफाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमें जॉन्डिस हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब लीवर किसी कारण से इन्फेक्टेड हो जाता है या कमज़ोर हो जाता है तब यह शरीर में सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। हमारे लीवर का काम है कि बिलिरुबिन को रक्त से अलग करना। जब यह सही तरीके से काम नहीं कर पाता है तो यह बिलिरुबिन को हमारे ब्लड से अलग नहीं कर पाता है, जिसके कारण जॉन्डिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, त्वचा के पीला होने के साथ साथ पीलिया के मरीजों में और भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे यूरिन का पीला हो जाना, आँख के सफ़ेद भाग का पीला हो जाना, नाखून का नीला हो जाना। इसके साथ साथ दोस्तों, पीलिया के मरीजों में एक और भी लक्षण देखे जाते हैं, उन्हें सर्दी नहीं होती है। यदि बात करें इसे ठीक करने के उपाय के बारे में, तो जॉन्डिस के मरीजों को यदि आप किसी प्रकार से सर्दी करवा देते हैं तो उसकी जॉन्डिस अपने आप ठीक होने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, सर्दी होती ही नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ जिससे आपकी सर्दी आसानी से हो जाएगी। इसके लिए दोस्तों, आपको लेना है बुंदुल का फूल, जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। ये हल्के हरे रंग के होते हैं, जो आपको इमेज में पूरी तरह क्लीन दिख रहे होंगे। आपको इसके 2 फूलों को लेना है और इसे 1 कप पानी में भिगो देना है। इसे 5 से 6 घंटे भिगोने के बाद जब यह अच्छी तरह से भीग जाए तब इसे दिन भर में कम से कम 8 से 10 बार इसे सूंघते रहना। ऐसा करने से दोस्तों, सर्दी आसानी से हो जाती है और जॉन्डिस का लेवल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ आपको अपने खान पान में भी परहेज करने होंगे, जैसे तेल मसाले वाली चीज़ें, खासकर हल्दी से बनी हुई चीज़ें को बिल्कुल नहीं खाना है। इसके साथ साथ बल्कि आपको वैसे चीज़ों को खाने हैं जो आपको सर्दी करने में सहायता करें, जैसे सलाद, मूली, गाजर, नींबू इत्यादि ठंडी चीज़ों को खाना है, ताकि आपकी सर्दी जल्दी से हो। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।